डिवाइन मस्तु भ्याम आरहर महादेव। दोस्तों आज हम आपको कार्तिक मास में किए जाने वाला एक विशेष उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन के हर तरह के कष्ट कट जाएंगे, साथ साथ में जिनके जीवन में सौभाग्य की कमी है और वे दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं तो इस उपाय को करने से सौभाग्य की भी वृद्धि होगी। साथ साथ में जिनके जीवन में धन का भाव रहता है, धन प्राप्ति चाहते हैं, इस उपाय को करने से उनके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी। साथ साथ में जिनके जीवन में लगता है कि क्रय क्लेश ज़्यादा है, घर में किसी भी परिवार के सदस्य की आपस में बनती नहीं या पति पत्नी की नहीं बनती है तो इस उपाय को करने से क्रय क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने से रोगों की भी मुक्ति मिलती है। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे कि इस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी वहाँ पर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी समस्या सॉल्व हो सके। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत होगी 3 बेलपत्र की, जो कहीं से खंडित नहीं हुए होने चाहिए। साथ में आपको लेना है लाल चंदन। आप सूखा लाल चंदन भी ले सकते हैं या मार्केट में जो गीला चंदन अवेलेबल हो वो भी ले सकते हैं। यदि आपने सूखा लाल चंदन लिया है तो आपने इसको हल्का सा गीला करके लेपन तैयार कर लेना है। साथ में आपको एक लोटा जल लेना है। जैसे कि गुरु जी कहते हैं, आपने कोशिश करनी है कि घर के मटके से ही तांबे के लोटे में जल भरना है ताकि आपका पितृ दोष भी दूर हो सके। इन तीनों सामग्रियों को लेकर आपने पहुंच जाना है शिव वाले। सबसे पहले आपने तीनों सामग्रियों को एक साथ रख लेना है और वहां पर आपने महादेव के समक्ष खड़े होकर अपनी कामना कहनी है। इसके बाद तीनों बेलपत्र पर आपने लाल चंदन से अपने स्वास्तिक लिखना है। याद रहे, जब आपने स्वास्तिक बनाना है तब भी आप नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है और इसके सेंटर वाली पत्ती पर आपने स्वास्तिक बना लेना है। सबसे पहले आपने पहली पत्ती आपने नंदी जी के जो आपने पांव उठा हुआ होगा वहां पर रख देनी है और इसकी डंडी का भाग आपने अपनी तरफ रखना है। उसके बाद आपने दूसरी बेलपत्र लेकर जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया हुआ होगा आपने गणेश जी वाले स्थान पर रख देनी है और गणेश जी के किसी एक मंत्र का जाप करना है। उसके बाद जो तीसरी बेलपत्र रह जाएगी जिसके ऊपर भी आपने स्वास्तिक बनाया हुआ है आपने महादेव पर समर्पित कर देनी है और इसकी डंडी का भाग भी आपने अपनी तरफ कर देना है। इसके बाद आपने नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे यह लोटा जल उस पत्ती के ऊपर आपने समर्पित करना है जो कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया होगा। ऐसा करने से आपके जीवन की हर तरह की कामना पूरी होती है और जीवन के हर तरह के कष्ट कट जाते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी वहाँ पर जरूर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी समस्या सॉल्व हो सके। कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की हाजिर जरूर लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।